क्रॉस पहेली भाग दो, क्रॉस पजल्स पार्ट टू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पांचवे क्रम यानी फिफ्थ ऑर्डर की क्रॉस पहेली को कैसे हल किया जाता है। आज एपी कहता है, तीसरे क्रम की क्रॉस पहेली को हल करने में मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद फ्रूटी। तुम्हारी वजह से अब मैं किसी भी क्रॉस पहेली को हल कर सकता हूँ। इतना सुनकर तभी खुश होकर फ्रूटी कहता है, अरे वाह, क्या वाकई ऐसा है? ये तो मेरा सौभाग्य था। लेकिन एपी, जैसा कि तुमने कहा कि अब तुम किसी भी क्रॉस पहेली को हल कर सकते हो, तो चलो देखते हैं कि क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो। यह एक पांचवें क्रम की क्रॉस पहेली है। क्या तुम इसके प्रकोष्ठों यानी सेल्स को इस प्रकार भर सकते हो कि इसका ऊर्ध्वाधर योग यानी वर्टिकल सम और क्षैतिज योग यानी हॉरिजॉन्टल सम 50 हो? बच्चों, मुझे यकीन है कि आपी की तरह आप भी इस पहेली को हल कर सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और इस पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तभी कुछ सोचकर एपी कहता है, यहाँ क्रॉस पहेली पांचवें क्रम की है। इसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग 50 है। तो 50 को 5 से विभाजित करके मैं इस पहेली की केंद्रीय संख्या यानी सेंट्रल नंबर ज्ञात कर सकता हूँ, जो कि 10 है। हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में केवल 31 तक की संख्याएं होती हैं। इसलिए हम हर पांचवे क्रम की पहेली को कैलेंडर व्यवस्था द्वारा हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ जोड़ और घटाव के लिए संख्या 7 और 1 नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैं जोड़ और घटाव के लिए संख्या 4 और 3 को लूंगा। अब 10 में 4 को 2 बार क्रमिक रूप से घटाने पर मुझे 6 और 2 प्राप्त होते हैं। इन्हें इस तरह केंद्रीय संख्या के ऊपर 2 ऊर्ध्वाधर प्रकोष्ठों यानी वर्टिकल सेल्स में भरा जा सकता है। इसी प्रकार 4 से 10 को 2 बार क्रमिक रूप से जोड़ने पर मुझे 14 और 18 प्राप्त होते हैं। इन्हें इस तरह केंद्रीय संख्या के नीचे 2 ऊर्ध्वाधर प्रकोष्ठों में भरा जा सकता है। इसके बाद 10 में से 3 को 2 बार क्रमिक रूप से घटाने पर मुझे 7 और 4 मिलते हैं। इन्हें इस तरह केंद्रीय संख्या के बाईं ओर 2 क्षैतिज प्रकोष्ठों यानी हॉरिजॉन्टल सेल्स में भरा जा सकता है। इसी प्रकार 3 से 10 को 2 बार क्रमिक रूप से जोड़ने पर मुझे 13 और 16 प्राप्त होते हैं। इन्हें इस तरह केंद्रीय संख्या के दाईं ओर 2 क्षैतिज प्रकोष्ठों में भरा जा सकता है। अब तुम देख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग 50 है। तो देखा, मैंने पहेली को इस तरह हल कर लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस पहेली को हल करने का एक और तरीका बता सकता हूँ।
देखो ये पांच पदों यानी फाइव टर्म्स के दो योगात्मक अनुक्रम यानी एडिटिव सीक्वेंस हैं, जिनमें 10 सामान्य मध्य पद यानी कॉमन मिडिल टर्म के रूप में है। मैं इन अनुक्रमों का उपयोग इस तरह से पांचवें क्रम की क्रॉस पहेली के प्रकोष्ठों को भरने के लिए कर सकता हूँ। चलो अब इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज योग की जांच करते हैं। ये तो 50 है। एपी का उत्तर सुनने के बाद फ्रूटी कहता है, अरे वाह शानदार, ये तो बिल्कुल सही है, बहुत खूब एपी। तो मैं भी अब इस तथ्य से सहमत हो सकता हूँ कि तुम किसी भी क्रॉस पहेली को हल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप भी एपी की तरह कोई भी क्रॉस पहेली को अब हल कर सकते हैं। तो इस क्रॉस पहेली को हल करने का प्रयास कीजिए, जो कि इस प्रकार है। यह एक पांचवें क्रम की क्रॉस पहेली है। क्या तुम इसके प्रकोष्ठों को इस प्रकार भर सकते हो कि इसका ऊर्ध्वाधर योग और क्षैतिज योग 60 हो? हम आशा करते हैं कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।